जब कोई लड़की प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो बहुत सारी छोटी बड़ी बातें होती हैं जिसका उन्हें ध्यान रखना होता है, और घर वाले भी, घर के बड़े बुजुर्ग भी उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। आज के इस वीडियो में भी मैं कुछ ऐसी खास बातें बताने जा रही हूँ जो कि प्रेग्नेंट महिला को हर हाल में ध्यान रखनी ही होती है। ये जो बातें मैं बता रही हूँ हर प्रेग्नेंट महिला फॉलो करती है अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान। मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो की थी जो कि मेरे घर के बड़े बुजुर्ग ने बताई थी। आज के इस वीडियो में मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके पास घर के बड़े बुजुर्ग नहीं हैं उन्हें बताने के लिए, या फिर वो उनके पास नहीं रहते, या कुछ भी ऐसे कारण हैं जिन्हें जिसकी वजह से उन्हें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। तो ये काम मेरा है, मैं आज के इस वीडियो में आपको गाइड करूँगी, बताऊँगी कि प्रेग्नेंट होने के बाद ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, अगर मजबूरी है जाने की तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, मैं हूं आपकी दोस्त प्रतिभा और बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी में। पहली जो जगह होती है जहां प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, वो होती है जगह कि अगर किसी की मृत्यु हो गई है पास पड़ोस में या फिर रिलेटिव्स में कोई ऐसी अनहोनी हो गई है तो प्रेग्नेंट महिला को, गर्भवती महिला को उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, अगर ज़रूरी नहीं है, घर में कोई और सदस्य है जो जा सकता है तो आप वहाँ जाने की जल्दबाजी मत करिएगा क्योंकि ये आपके लिए और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी बिल्कुल सही नहीं है। ये जगह प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। दूसरी, इसी में जो एक और चीज़ होती है कि अगर आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई शव यात्रा आपके सामने से जा रही है या घर में ही ऐसी कोई अनहोनी हो गई है तो उस जगह से आप हट जाएं, अपने बच्चे को वहाँ से कवर कर लें अपने पेट को और उस जगह से बिल्कुल हट जाएं, वहाँ भी आसपास भी आप ना भटकें क्योंकि ये भी प्रेग्नेंट महिला के लिए बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। और इसी में एक चीज़ की, वैसे तो महिलाओं को अंतिम संस्कार में जाने की अनुमति नहीं होती है, ये महिलाओं के लिए वर्जित होता है, लेकिन हमारे देश में बहुत अलग अलग कल्चर हैं तो आप किसी की अंतिम संस्कार में भी आप मत जाइए क्योंकि ये भी आपके होने वाले बच्चे के लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो 13 दिन तक उस इंसान की आत्मा जो है वो भटकती रहती है नए शरीर की तलाश में। तो इसलिए अगर कोई महिला गर्भवती है और वो ऐसी जगह पे आसपास रहती हैं तो हमारे ऐसा कहा जाता है, बुजुर्ग घर के कहते हैं कि ये मतलब कुल मिला के उनके लिए सही नहीं माना जाता है। बाकी आप सारी बात समझ सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है कि ये तो हो गई पहली बात, अब दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि प्रेगनेंसी के दौरान नदी, तालाब, नाले इनको पार नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जादू मंत्र टोने टोटके जो होते हैं वो तालाब के सहारे, नदी के सहारे, नाले के सहारे किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की निगेटिव एनर्जी होती है जो कि ट्रांसफ़र कर दी जाती है अपने घर से हटा कर के इन जगहों पर फेंक दी जाती है। अब अगर ऐसी जगह से कोई प्रेग्नेंट महिला या फिर ऐसी लड़की जिसके भी नई नई शादी हुई है या फिर हाल ही में शादी होने वाली या फिर वो बच्चा जिसने अभी गर्भ से जिसने अभी जन्म लिया है उसके सर के बाल नहीं बने हैं, मुंडन नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को ये निगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी और आसानी से पकड़ लेती है। तो इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कोई ऐसी लंबी यात्रा नहीं करिए। 8वें 9वें महीने में तो स्पेशली बिल्कुल मत करिए। कोशिश करिए कि नदी, तालाब, नाले इनको आप पार मत करिए। अगर कोई मजबूरी है कि आपको करना ही है तो एक उपाय आप कर सकते हैं कि जब भी ऐसी जगह से पास करें तो अपने सर से 1 रुपये का या जो भी सिक्का उतार करके अपने अपने ऐसे सर से उतार करके और उसी नदी में, तालाब में, जो भी रास्ते में पड़ रहा है आपको उसी में फेंक देना है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि क्या हम नदी को पार कर रहे हैं, डायरेक्टली पार करने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। मान लीजिए कि जैसे आप किसी रोड से गुजर रहे हैं, नीचे बड़ी सी नदी है या सामने कोई तालाब है और उसके ऊपर से ओवरब्रिज बना हुआ है या उसके सामने से गुजरने का रास्ता बना हुआ है तो वो भी पार करना ही माना जाता है क्योंकि वो जो रोड है, वो जो ओवरब्रिज है, उसी नदी के ऊपर से या उसी नदी से गुजर के बनाई गई है। तो इस बात का बेहद ख़ास ख्याल रखिए कि जब भी जाएं बाहर तो अगर ऐसी कुछ रास्ते में पड़ रहा है, कोई नदी, तालाब, नाला पड़ रहा है, आपकी मजबूरी है क्रॉस करना, अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड करिए। क्रॉस करना मजबूरी है तो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज 1 रुपये का सिक्का उतार दीजिए 5 बार या 7 बार आप उतार सकते हैं संख्या में और उतार के उसी नदी या तालाब में जो भी पड़ रहा है फेंक देना है। आपको उसके पास जाके नहीं फेंकना है, दूर से उसी में फेंक देना है। तो ये उपाय बेहद खास होता है और जो कि मैंने भी कई बार अपनी प्रेगनेंसी के दौरान किया है। तीसरी जो चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि
जब भी आप बाहर जाएं अपने घर से, आप प्रेगनेंसी दौरान जब तक अभी पेट कम है तो किसी को नहीं समझ में आता कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो किसी को नहीं पता चलता। 5वें महीने से जब पेट दिखने लगता है तो कहीं से भी आप गुजरेंगे तो अननेसेसरी कोई नहीं भी देख रहा होगा, वो भी आपकी तरफ देखने लगेगा, अच्छा ये प्रेग्नेंट है। आप पे कम, आपके पेट पे उसकी नज़र ज़्यादा जाती है। और नज़रें कुछ अच्छी भी होती हैं, ये ख़राब भी होती हैं, आप भी ये बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो इसलिए जब भी बाहर जाइए तो अपने पेट पर थोड़ी सी हींग को पानी में घोल लीजिए और उसको अपने नाभि पे और नाभि के चारों ओर लगा लीजिए। हींग इसलिए क्योंकि हींग की जो शक्ति होती है, जिसकी स्मेल होती है, बहुत तेज़ होती है, वो निगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देती है। तो जब भी आप बाहर जा रहे हैं तो अपनी नाभि में, नाभि के चारों तरफ हींग लगा लीजिए, क्योंकि हींग में ऐसी शक्ति होती है जो निगेटिव एनर्जी को पास नहीं आने देती, इसकी महक इतनी तेज़ होती है इस वजह से। तो ये उपाय भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी में किया। ध्यान रखिएगा, जब से आपका पेट दिखना शुरू हो जाए, छोटी जगह, बड़ी जगह, मार्केट, कहीं भी आप जा रहे हैं तो अपनी नाभि पर थोड़ी सी हींग को गीली करके लगा लीजिए और अपने पेट को अच्छे से कवर कर लीजिए। ये उपाय भी आपके बच्चे तक निगेटिव एनर्जी को पहुंचने नहीं देता है। तो ये 3 खास उपाय हैं जिनका मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो किया था, जो मेरे घर के बुज़ुर्ग ने बताए थे। बहुत सारे लोग इसे अंधविश्वास भी समझेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोग चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण को अंधविश्वास समझ के फॉलो नहीं करते हैं। कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जो इसे अंधविश्वास समझ के फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूँगी कि हम अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ करते हैं। अगर हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते तो उसके लिए बहुत सारे उपाय करते हैं। पहले ट्रीटमेंट करते हैं, जब वो नहीं काम करता है तो दुआएं करते हैं, प्रेयर करते हैं, जगह जगह दर दर भटकते हैं, सब करते हैं। तो क्या हम प्रेग्नेंट होने के बाद ये छोटे बड़े उपाय करके अपने बच्चे को निगेटिव एनर्जी से, किसी अनहोनी से बचा नहीं सकते क्या? इसमें करना ही क्या है, सिर्फ कुछ सावधानियाँ ही तो रखनी है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि इसे अंधविश्वास समझ के नकारे नहीं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए सब करते हैं, वैसे हम थोड़ा सा ये भी कर सकते हैं। भले हम कितने मॉडर्न ज़माने के क्यों ना हो, अगर हमारे बड़े बुजुर्ग कुछ हमें समझाते हैं, कहते हैं, तो हमें उसे मान लेना चाहिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं नए खास वीडियो में किसी नई और बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और बेस्ट केयर ऑफ प्रेगनेंसी से जुड़े रहिए। बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। नमस्कार।